हाय गाइज, माय नेम शंसेगर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे वेरियस टाइप ऑफ कैट्स और हमने जाना था जनरलाइज, स्पेशलाइज्ड और यूटिलिटी, तीन टाइप के कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तीन टाइप के सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्पेशलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर बोला है, स्टैंडर्डाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं बोला है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर अलग होता है, वहाँ किस तरीके से वो हार्डवेयर को आप प्लेस कर रहे हो, किस तरीके से लॉजिकली आपका नेटवर्क बना हुआ है, ये सारी चीज़ों पर वो डिपेंडेंट होता है। और फिर टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से मूव करती चली जाती है, तो स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होना मुश्किल है। स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है और वो उस सिचुएशन के लिए जहाँ पर हाई ह्यूज वॉल्यूम डेटा होता है और ह्यूज मनी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर एक टीम बैठा दी जाती है और कहा जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है और एक टीम बैठा दी जाती है और उन्हें कहा जाता है इस सॉफ्टवेयर बनाओ और अपग्रेड करते रहो। तो वहाँ स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर के रूप को हम बनाते हैं और एम्बेडेड मॉड्यूल्स के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स के बारे में और हमने एक ब्रॉडली जाना था कि जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है, और हमने ये भी जाना था कि ACL और आइडिया यानी ऑडिट कमांड लैंग्वेज और आइडिया इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस दो कॉमनली यूज्ड जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हैं। और हमने ये भी जाना था कि जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है आपके स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में और ईजिली अवेलेबल हैं, ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं, यानी कि आप मार्केट में जाओगे आपको ये पैकेज्ड रूप में मिलेंगे, जैसे CD वगैरह मिलती थी पहले, कोई मूवी देखने जाते थे तो एक CD मिलती थी या पर्टिकुलर विंडोज़ का प्रोग्राम मिलता था, तो उसी तरीके से आपको ये मिलेंगे। तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डेटा को रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस प्लेटफॉर्म से, और किसी भी डेटाबेस प्लेटफॉर्म से वो रीड कर सकते हैं। अब डेटाबेस प्लेटफॉर्म, कई टाइप के डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल का है, SAP का है, तो किसी भी डेटाबेस प्लेटफॉर्म से वो डायरेक्टली रीड कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फ्लैट फाइल सिस्टम्स होती हैं जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं उसमें से भी डेटा रीड कर सकते हैं, या ASCII फॉर्मेट है उससे भी रीड कर सकते हैं। तो यानी कि बाइनरी से लेकर डेटा अगर बाइनरी में है तो बाइनरी में भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी डेटाबेस प्लेटफॉर्म में है तो उसे भी पढ़ सकते हैं, अगर फ्लैट फाइल सिस्टम में है तो उसे भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपने मशीन लैंग्वेज में है डेटा, पहले क्या होता था जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो डेटा क्या हुआ कि आपका उस टाइम पर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और डेटा भी मशीन लैंग्वेज में यूज़ होता था, 0101 फॉर्म में रखा हुआ होता था। आज भी फाइनली तो 0101 फॉर्म में रखा रहता है, लेकिन उसको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स उस डेटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डेटा अवेलेबल किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक पर्टिकुलर जगह में रखता है, और फिर रीड करने के लिए हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, और फिर वो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने कई सेशंस में बोला कि हार्डवेयर से कौन कम्युनिकेट कर रहा होता है, हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम 0101 के टर्म्स में कम्युनिकेट कर रहा होता है हार्डवेयर से, क्योंकि हार्डवेयर को मशीन लैंग्वेज ही पता है, 0101 बाइनरी ही पता है उसको, और कुछ नहीं पता है, और उसको भी छोटे टर्म्स में देखा जाए तो उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या तो ऑन है या ऑफ है, या हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, उसके अलावा कुछ हार्डवेयर नहीं समझता। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो क्या समझेगी, या तो चार्ज है चार्ज नहीं है, या तो ऑन है ट्रांजिस्टर या ऑफ है ट्रांजिस्टर, या हाई वोल्टेज आ रही है लो वोल्टेज आ रही है, उसी को वो इंटरप्रेट करता है। तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में रखा हो, आपने ASCII में रखा हो, फ्लैट फाइल सिस्टम्स में रखा हो, या किसी डेटाबेस प्लेटफॉर्म में रखा हो, डेटाबेस प्लेटफॉर्म फ्लैट फाइल सिस्टम जो नॉर्मल फाइल्स वगैरह होती हैं आपकी, डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके, बहुत सारे डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, माइक्रोसॉफ्ट का ओरेकल है, SAP है, तो किसी भी डेटाबेस प्लेटफॉर्म में रखा हो या फ्लैट फाइल सिस्टम्स में रखा हो। डेटाबेस प्लेटफॉर्म में क्या है कि अगर डेटा एक डेटाबेस बना तो वो कैसे बनेगा, जैसे डेटाबेस के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, डेटाबेस
एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को रखता है, और इस तरह से रखता है कि रिडंडेंसी ना हो, इस तरह से रखता है कि एक दूसरे से कोरिलेशन बना रहे, और इस तरीके से रखता है कि एफिशिएंट हो, इस तरीके से रखता है कि रिट्राइवल इजी हो, इस तरह से रखता है कि डुप्लीकेशन ना हो। तो ये डेटाबेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डेटाबेस के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर किया जाता है, जो कि हमने डीबीएमएस चैप्टर में पढ़ा। तो उस तरीके से डेटाबेस रखा जा सकता है, या आप ऑफिस में गए वहाँ एक्सेल वेक्सेल की फाइल रखी हैं, या कोई दूसरा फाइल्स हैं जो पुराने टाइप की फाइल्स होती हैं, उन फ्लैट फाइल सिस्टम्स में आपने फाइल्स में डेटा रखा हुआ है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर मान लिया सपोज आप टैली के अंदर भी एक डेटाबेस होता है, तो वो भी या ईआरपी है, वो भी एक डीबीएमएस डेटाबेस बेसिकली रखते हैं, या फ्लैट फाइल्स होती हैं, डायरेक्टली आप हार्ड ड्राइव में रख लेते हैं और फाइल्स को ओपन करके देख लेते हैं, या ASCII फॉर्मेट में हो सकता है, या बाइनरी फॉर्मेट में हो सकता है, बाइनरी मतलब 0101 के। तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली वहाँ से डेटा उठा सकते हैं, मतलब उनको किसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे डेटाबेस में जाकर डेटा उठा सकते हैं, उसे रीड आउट कर सकते हैं, उन्हें बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब कम्युनिकेशन आपका, वो पुराने ज़माने में हमने सुना, मैं गांव में एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, बात बिल्कुल पता नहीं क्या हो गई, तो बात का मतलब ही चेंज हो गया। वो हम पुरानी वो टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा करते थे। यहाँ पर कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर्स में क्या होता है, ट्रोजन प्रोग्राम लगाओ, जो कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बाद डेटा को रख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मशीन के बीच में आपके जो सिस्टम है उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम, कहीं पर भी कोई वायरस, कहीं पर भी कोई ट्रोजन हॉर्स, वो उस कम्युनिकेशन को आपके पास डेटा आएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब आपको सही डेटा मिल रहा हो वो ज़रूरी नहीं है। तो भाई बेसिकली जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डायरेक्टली डेटा उठाते हैं। जब डायरेक्टली सोर्स से आप डेटा उठाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा, और फिर आप उसको इनमें मैथमेटिकल फीचर्स भी होते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं, रिकम्प्यूटेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, उन्होंने प्योर डेटा उठाया, और डेटा उठाने के बाद उन्होंने उसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की और देखा कि सही तरीके से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे पता चल जाएगा प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने लगाया, और प्रोसेसिंग विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेम हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, लॉजिकली उसको पता चल जाएगा, मतलब जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर के लिए। तो उसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं, और कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस आपके नॉर्मल टैली शैली वगैरह में नहीं दिए होते हैं, आजकल उसमें भी वैसे ग्राफ्स बन जाते हैं, ईआरपी में भी ग्राफ्स बन के आपके सामने आ जाते हैं, ये ग्राफ्स बना देते हैं, या पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे देंगे जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए। दूसरा, अगर मान लिया सपोज आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए, आप स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि बोलते हैं ना कि आप किस स्ट्रेटा से आएँ, किस जगह से आएँ, क्या आपकी क्या हैसियत है। स्ट्रेटा मतलब सोसाइटी में लोगों को स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है, तो वैसे ही डेटा को भी स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है। वो स्ट्रेटा में हो सकता है कि ये हो कि 1 लाख से ऊपर का अमाउंट सारा देखना है, पूरा आप ले आओ, अगर 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो उसमें और डिटेल मांग लो, अगर 1 लाख से 10,000 से 1 लाख रुपए का अमाउंट का ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक पर्टिकुलर रैंडम सैम्पलिंग कर लो, या पर्टिकुलर थर्ड अमाउंट उठा लो, हर तीसरा वाउचर उठा लो। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है, यानी स्ट्रेटा में आपने डिवाइड कर दिया, 0 से 10,000 के तो वाउचर हमें 15 वाउचर उठाने, कोई भी रैंडमली, या कोई हमने उसे कोई कंस्ट्रेंट्स दे दिए ये उठाने, और उसे ये बता दिया कि ये कह दिया कि उठाने और हर वाउचर के बीच में कम से कम 15 वाउचर की डिफरेंस होनी चाहिए, 20 वाउचर, या कोई एक पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, रिस्ट्रिक्शन हम बढ़ा सकते हैं। अब हमने दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन किया 10,000 से 10 लाख रुपये तक का, या 1 लाख रुपये का, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, इस तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकली देख सकते हैं, हम पूरा ये देख सकते हैं कि आपका सेल्स हुई तो क्या हुई,
उसका ग्राफ देख सकते हैं, कब पीक हुई कब कम हुई। कोई एक पर्टिकुलर महीना होता है जहाँ पर सेल्स ज़्यादा होती है तो आपको पता चल जाता है। दिवाली के टाइम पर सपोज़ आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, या होली के टाइम पर सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, या धनतेरस के टाइम पर ज़्यादा होती है, या ईद के टाइम पर ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हो उसको देखते हो। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस, ये हो गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसके बाद सीक्वेंस चेक है, सीक्वेंस आप देखते हो सही है कि नहीं सही है मालूम पड़ा। सीक्वेंसिंग चेक करते हो मतलब महीने में आप देख लेते हो। कई बार क्या होता है कि महीने महीना आप देखोगे ये महीने के वाउचर्स हैं और ये नंबरिंग ऑफ वाउचर्स हैं, मालूम पड़ा डेट वाइज वाउचर्स हैं, एक डेट का आगे पीछे वाउचर डाला तो सीक्वेंस चेक गड़बड़ हो जाएगा। डुप्लीकेट चेक होता है, डुप्लीकेट कोई वाउचर कोई एंट्री डबल तो नहीं डाली गई। रिकम्प्यूटेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का रिकैलकुलेशन कर दिया, बैंक से इंटरेस्ट आया तो उसका रिकैलकुलेशन कर लिया। तो ऑडिटर जो है ये डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, कंप्यूटर में ये डेटा स्टोर है और उसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट चेकिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग की इंडिपेंडेंट चेकिंग हो जाती है। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑडिट नहीं कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन वो हेल्प करते हैं ऑडिट करने में, मतलब ऑडिटर को सेलेक्ट करने में, डेटा को सेलेक्ट करने में, प्रोसेसिंग को उस डेटा पर प्रोसेसिंग करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जिसके पास वो जो ऑडिटर है, ऑडिटर के पास एक टूल आ जाता है, वो झांक कर देख सकता है, पीप आउट कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर्स को बाईपास करके सीधे डेटाबेस में जा सकता है और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है जहां पर डेटा रखा हुआ है, फाइनल फॉर्म में डेटा रखा हुआ है। अदरवाइज आप मांगोगे डेटा तो आप कहोगे कि मुझे डेटा चाहिए, तो आप किससे कहोगे डेटा, आप ईआरपी या जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा है उसे कहोगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से कहेगा कि भाई मशीन से बात करो, मशीन को मशीन की लैंग्वेज में बात करो, मुझे तो हाई लेवल लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज आती नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन से बात करेगा, स्लो लेवल लैंग्वेज में बात करेगा और उसके बाद क्या है कि वो आपको डेटा उठाएगा और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको दे दिया जाएगा, ह्यूमन बीइंग को दे दिया जाएगा। तो वो 0101 से आप में तक आएगा, तो आपकी लैंग्वेज में आएगा जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, यानी कि जिसने डेटा वो किया है। लेकिन बीच में क्या है कि वही तीन चार इंटर मतलब बीच में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उससे होता हुआ है। तो यानी कि जैसे पहले बोला जाता था कि धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कोई भी है बाइबल गीता कुरान या जो भी ऊपर से उतरी कहते हैं, तो वो कई बार लोग उसमें डाउट पैदा करते हैं, इसलिए डाउट पैदा करते हैं कि वो कहते हैं कि ऊपर से उतरी तो जिसने लिखी, जिसने पास ऑन की, सही पास ऑन की कि नहीं की, या पुराने टाइम पर जो आपके मतलब उसकी क्या इंटेग्रिटी वही थी, वो बात क्या वो जो कन्वे करना चाहते थे वही कन्वे किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब क्या कितने सही हैं कितने गलत हैं हमें नहीं पता, लेकिन जनरली एक्सपीरियंस में ये आता है कि जब भी हम कहीं पर बैठे होते हैं, अगर कहीं कोई गांव है वहाँ पर का, जैसे नॉर्मली हम कोई एपिसोड्स टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उसमें किसी ने कुछ दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, बात कुछ की कुछ बन गई। तो वही चीज़ सॉफ्टवेयर में ये होने की, कंप्यूटर्स में ये होने की संभावना नेगलिजिबल होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्शनली एफिशिएंट होता है और वहाँ पर एरर की संभावना नहीं होती। लेकिन अगर मान लिया ट्रोजन प्रोग्राम डाला है अगर, तो फिर क्या होगा, तो वो तो फिर गलत तरीके से ही कैलकुलेट करेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक का स्लाइसिंग टेक्निक का हमने एग्जांपल लिया था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट स्लाइस कर दिया जाता था, जैसे आपके अकाउंट में 53,503 रुपया 25 पैसा है या 27 पैसा है, तो उसमें 2 पैसा निकाल लिया जाता था, हर से 2-2 पैसा करके मतलब वो करोड़ों रुपया बन सकता है, या इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इंटरेस्ट में 2 रुपया कम कर दिया और एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दिया और बाद में उसे ATM से जाके निकाल लिया क्योंकि वो अब उसे अकाउंट में चले गया। तो वो क्या है, प्रोग्राम ही इस तरह का बनाए कि वो प्रोग्राम आपको डेटा की सच्चाई नहीं दिखा रहा है, मतलब और वो ठीक तरीके से प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहा है। तो आप इंडिपेंडेंटली प्रोसेसिंग करोगे, उसके लिए आपके पास टूल होगा और वह उस डेटा को पहुँच कर निकालने के लिए आपके पास टूल होगा। आप उस सोर्स पर जाओगे और नहीं उस डेटा को उठा के निकाल लोगे जहाँ पर वो डेटा रखा हुआ है, कि जिस हार्ड ड्राइव में जिस जगह पर वो डेटा रखा हुआ है वहाँ से उठा लोगे आप, भले ही डेटा किसी भी डेटाबेस में हो या किसी प्लेटफॉर्म में हो कि फ्लैट फाइल सिस्टम में हो या आस्काई में हो। तो बेसिकली देखा जाए तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डेटा उठा सकते हैं, दूसरा सैंपलिंग कर सकते हैं,
वैल्यू बेस्ड सैम्पलिंग कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग प्लान फॉलो कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड सैम्पलिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैल्यू बेस्ड सैम्पलिंग क्या होती है? वैल्यू बेस्ड सैम्पलिंग होती है यानी कि वैल्यू 10 लाख से इतने तक का हमने देखना है, 10 लाख से ऊपर का पूरा आइटम देखना है, तो ये 1 करोड़ तक का आइटम 100% देखना है, समथिंग लाइक दैट वैल्यू बेस्ड। और रैंडम सैम्पलिंग रैंडम बेसिस पर होती है, वो रैंडमाइज करके वो कोई भी उठा सकता है। तो रैंडम में ये नहीं है कि पहले एक बार में 1 2 3 4 5 उठाएगा, रैंडम रियल रैंडम होना चाहिए। और उसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर इस तरह का होता है कि उसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं रैंडमाइज करने के लिए, ट्रूली रैंडमाइज करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं उसमें। तो आप आइटम को एक्सट्रैक्ट करते हो, एक वो आइटम एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट करता है, और जो जो आइटम है जैसे जो जो स्ट्रेटा है उसको सेग्रीगेट करता है वो, कि 1 से 10 का ये, 1 से 10,000 रुपये तक के ये वाउचर्स हैं, 10,000 से 1 लाख रुपये के ये वाउचर्स हैं, तो इंडिविजुअली उसे रिपोर्ट करते हैं, फिर उसका टोटल देता है आपको, ये देगा कि टोटल नंबर हर एक के क्या क्या हैं, टोटल वैल्यू क्या है उसकी, इस तरीके से वो डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे देगा। और जैसे फॉर एग्जांपल आप एजिंग देखते हो, तो एजिंग जो होती है वो टैली में निकल के आती है एजिंग, या आपकी ईआरपी में एजिंग निकल के आती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है आप क्रेडिट पीरियड निकाल लो कि ये पर्टिकुलर क्रेडिट पीरियड है, इतने पीरियड से ओवरड्यू हुआ, मालूम पड़ा एक क्लाइंट का क्रेडिट पीरियड है 30, एक का 60 डेज है, एक का 90 डेज है। तो आपने इस पर्टिकुलर जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में वो फीड आउट कर लिया कि ये क्लाइंट है, इनका 30 डेज क्रेडिट पीरियड है, इसके बाद ओवरड्यू हो जाता है, इसका इतना डेज है, उसके बाद ओवरड्यू होता है, इसका इतना डेज है, तो वो ओवरड्यू होता है। तो उसी के बेसिस पर वो डेटा को रीड आउट करेगा जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, और एजिंग बना के आपको दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा ये एजिंग सही बनी बननी बनी है, सॉफ्टवेयर के अनुसार एजिंग ये है, हमारे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर के अनुसार एजिंग ये है, और जो बाकी आपका टैली है या ईआरपी है उसके अनुसार एजिंग ये है। तो ये बेसिक, ये सारी चीज़ें जो हैं जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी होती है। तो बेसिकली एडवांटेज अगर हम देखें जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर के, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि सैम्पलिंग वो हमें सब्सटेंटिव टेस्टिंग में हेल्प करता है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में कैसे हेल्प करता है? वो हमारी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में हेल्प करता है। हाँ, वो डायरेक्टली डेटा में जाएगा, लॉजिकली डेटा में जाएगा, ऐसा नहीं है उसे निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और या कंप्यूटर में उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ईआरपी है उसमें क्या होता है कि डाउनलोड करना पड़ता है, आपका ईआरपी में से आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करोगे, ये एक्सेल शीट में देखकर फिर उस पूरा डेटा आएगा, डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लगाओगे, फॉर्मेट में लगाने के बाद आप क्या करोगे उसको उसमें क्या कहते हैं, या तो जैसे सॉर्ट कर लोगे उसको, क्या कहते हैं आपके अमाउंट के हिसाब से सॉर्ट कर लोगे, फिर आप देखोगे ये पर्टिकुलर 1 से 10,000 के इतने वाउचर हैं, इससे इतने के वाउचर हैं, इसके इतने वाउचर हैं, तो वो फिर आप उसमें से पिकअप करोगे। तो वो मैनुअल टेक्निक होती है, वो टाइम लगाती है, इसमें क्या होता है वो सीधे डेटा बेस में जाता है, वो सॉफ्टवेयर पर, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो ईआरपी है या जो आपकी टैली है उस पर विश्वास नहीं करता है, वो सीधे सॉफ्टवेयर में जाता है और वहाँ से उठाता है उस डेटा को, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालता है, आपने जो क्राइटेरिया बना रखे हैं स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के, जो क्राइटेरिया देख रहे हैं उसी पर वो सेलेक्ट करता है, और फिर उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, कोई स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, नॉन स्पेशलिस्ट भी इसे आराम से कर सकता है। मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वहाँ पर, इजी इंटरफेस होता है, जैसे आप विंडो यूज़ करते हो, पहले एम एस डॉस यूज़ करते होते तो टाइप करना पड़ता है, आज आप पहले एम एस डॉस वगैरह यूज़ करते थे तो उसमें टाइप वगैरह करके आता था, सी कॉलन ये वो लिखना पड़ता था, उसमें कमांड लिखने पड़ते थे, आज की डेट में आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ यूज़ करते हो, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो उसी तरीके से ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होते हैं और सिंपल होते हैं, नॉन स्पेशलिस्ट के लिए भी सिंपल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमें यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली उससे भी ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग में हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो टाइप की टेस्टिंग होती है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग और कंप्लायंस टेस्टिंग। तो पहले सब्सटेंटिव टेस्टिंग में करते हैं, हेल्प करते हैं, कैसे, डेटा को डायरेक्ट सोर्स से निकालते हैं,
लॉजिकल एक्सेस करते हैं डायरेक्टली जहाँ पर वो डेटा रखा हुआ है, लॉजिकली डेटा जहाँ पर रखा हुआ है उसे लॉजिकल वे से डायरेक्टली निकालते हैं, और उसके बाद उसकी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें डेटा को दे देते हैं। दूसरा चीज़ है एनालिटिकल स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, मतलब एनालिटिक्स एनालिसिस। तो जो मेन पर्पज़ होता है ऐसे पैकेजेस का, उनका क्या मेन पर्पज़ होता है कि वो टेस्टिंग करें और एनालिसिस करें इस डेटा का। तो अगर बेसिकली कोई ग्राफ बनाना है, कोई एनालिटिक्स करना है, एनालिटिकल स्टेटिस्टिकल एनालिटिकल सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, तो इससे हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो और उसमें कोई चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हो, कोई चीज़ ग्राफ देखना चाहते हो और उससे पता करना चाहते हो किसी टाइम पर सेल्स ज़्यादा हुई, किसी टाइम पर सेल्स कम हुई, रेवेन्यू वर्सेस सेल्स का ग्राफ देखना चाहते हो, या पर्टिकुलर वेरियस आपके कई बिजनेस है, कई लाइन्स ऑफ बिजनेस है, उनके बीच में कंपेरिजन करना चाहते हो, उनका ग्राफ देखना चाहते हो, तो ये जो वहाँ पर आपको सब्सटेंटिव टेस्ट प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे, यानी उसको डेटा को निकालना पड़ेगा, फिर उसके ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा होगा कि सिंगल कमांड होगी और वो ये सारी चीज़ें कर देगी, एक सिंगल कमांड होगी, एवरेजेस निकल जाएंगे, मीन्स निकल जाएंगे या दूसरे वैल्यू निकल जाएंगे, जैसे एक्सेल में होता है। अगर मान लिया सपोज आपको किसी चीज़ की पावर निकालनी है, स्क्वायर रूट लिखानी है, तो सीधे फार्मूला लिखो, क्यूब रूट निकालना है तो सीधे फार्मूला निकलो। क्यूब रूट मैथमेटिकली अगर आप निकालना चाहोगे तो निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसमें क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकालने के लिए या पर्टिकुलरली ऑड रूट्स निकालने के लिए, जैसे फिफ्थ रूट है, सेवन्थ रूट है, नाइन्थ रूट है, वो वर्चुअली लेमैन नॉर्मल आदमी के लिए, यानी इवन जो ट्वेल्थ क्लास या ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब उसको निकालने के लिए आपको अच्छी मैथमेटिक्स की कमांड होनी चाहिए। लेकिन इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या है कि सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी होती हैं और फॉर्मूलेज दिए होते हैं, आप एक कमांड डाली और निकल गया, तो उससे भी इजी होता है जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर। उसमें क्या है कि आपने कमांड दिया, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उसके अलावा इतना ही नहीं है, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कई केसेस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। मतलब जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगी और वो उससे क्या बिजनेस एप्लीकेशन को सिमुलेट किया जा सकता है, जैसे ERP है उसको सिमुलेट किया जा सकता है, और ऐसा लगेगा कि एक तरह से पैरेलल सिमुलेशन कर सकते हैं, यानी कि ERP से डेटा निकाल सकते हैं और मालूम पड़ा जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर वो डेटा उसी तरीके से प्रोसेस पैरेलली प्रोसेस करके आपको दे रहा है या सिमुलेट करके आपको दे रहा है। तो यानी कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कहने का यह है, एक तरफ ERP है आपकी, ERP आपको डेटा निकाल के दे रही है, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ किया आपने, उसी डेटा को निकाला और फिर उसको सिमुलेट उसी इन्वायरमेंट में उसी उन्हीं कंडीशंस लगा के सिमुलेट कर दिया, तो आप कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देख सकते हो डेटा प्रोसेसिंग की और कंट्रोल्स को देख सकते हो, यानी कंप्लायंस टेस्टिंग भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये, सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी कर सकते हो, कंप्लायंस टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंप्लायंस टेस्टिंग कर रहे हो, आप लॉजिकली उसके अंदर घुसकर जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस डेटा को सोर्स से निकाल रहे हो, आप उसे ERP के थ्रू नहीं निकाल रहे हो, और फिर उसमें प्रोसेसिंग लगा रहे हो और वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लगा रहे हो जो ERP लगाती है, और उसके बाद देख रहे हो कि दोनों के वैल्यू सही निकल रहे हैं कि नहीं सही निकल रहे हैं, कंप्लीटनेस है कि नहीं है प्रोसेसिंग में, एक्यूरेसी है कि नहीं प्रोसेसिंग में, कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये सारी चीज़ें आप लॉजिकली देख सकते हो। तो बेसिकली डेटा एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि आप एनालिटिकल सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर सकते हो और कंप्लायंस टेस्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि इजी होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और यूज़र फ्रेंडली होता है, मेन्यू ड्रिवन कमांड्स होती हैं जिस तरीके से विंडोज़ में होती हैं, जब आप एक्सेल या वर्ड ओपन करते हो मेन्यू ड्रिवन कमांड्स होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, तो आपको बहुत कम नॉलेज होती है और आप इसको हैंडल कर सकते हो एज एन ऑडिटर, इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात पोर्टेबिलिटी होती है, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है या किसी भी इन्वायरमेंट में, कंप्यूटर इन्वायरमेंट में इसको चलाया जा सकता है। अगर मान लिया कोई भी कंप्यूटर इन्वायरमेंट है, आप वहाँ जाकर सर्वर में इंस्टॉल कर लो या वहाँ जाकर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो या एक पर्टिकुलर PC लैपटॉप को डेडिकेटेड ऑडिट टर्मिनल बना दो और कोई भी चीज़ आप
एनालाइज कर दे सकते हो, फिर उसके बाद कोई भी डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट के पास जाते हो, आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप अपने पीसी से एक्सेस कर लेते हो, एक्सेस राइट्स लेते हो और एक्सेस कर लेते हो, या फिर आप वहाँ सर्वर में इंस्टॉल कर लेते हो, तो एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाता है, एनालिसिस आप कर सकते हो ईजी। और कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मतलब ये नहीं हो कि आपका सर्वर में जो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है, विंडोज़ का है या किसी और का है, कौन सा सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली डेटा को उठा लेता है, डायरेक्टली पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, वो प्रोसेसिंग को भी चेक कर सकता है, हर एनवायरनमेंट की प्रोसेसिंग को चेक कर सकता है। तो ये सारी पोर्टेबिलिटी जो इसमें पोर्टेबिलिटी होती है, जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी आ रही है, मोबाइल पोर्टेबिलिटी क्या है कि जब फुल मोबाइल पोर्टेबिलिटी आएगी आपका नंबर लोकल हो जाएगा, हर जगह पहुंचोगे तो वो लोकल ही नंबर होगा। आप किसी भी किसी सर्विस प्रोवाइडर से करो, आप अगर मान लिया सपोज़ आपका दिल्ली का नंबर है, आपने दिल्ली से लिया है और आप इस समय उत्तर प्रदेश आ गए हो, उत्तर प्रदेश में सपोज़ इलाहाबाद आ गए हो, इलाहाबाद से जब आप इलाहाबाद में फ़ोन करोगे कोई दिक्कत नहीं, लोकल कॉल लगेगी, लेकिन इलाहाबाद से बाहर फ़ोन करोगे, दिल्ली करोगे तब लगेगा, यानी कि फ़ोन जहाँ पर मूव कर गया वही उसका लोकल हो गया। ये नंबर पोर्टेबिलिटी की एक बेनिफिट है। तो उसी तरीके से ये इसी तरीके से आपकी जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होता है, मतलब फ़ोन है आपने दिल्ली में ख़रीदा कोई दिक्कत नहीं, आपने फ़ोन का कनेक्शन दिल्ली में लिया, आपने अपना पर्टिकुलर नंबर दिल्ली में लिया, उसके बाद क्या हुआ, अचानक आप ट्रैवल करने लगे बॉम्बे, जहाँ जहाँ ट्रैवल करते जा रहे हो वहाँ वहाँ वो लोकल बनता जा रहा है, वो वहाँ पर वो नहीं हो रहा है कि आप रोमिंग में आ गए, रोमिंग में आ गए तो पोर्टेबिलिटी नहीं है, अगर रोमिंग में आ गए तो लिमिटेड पोर्टेबिलिटी है। अगर मान लिया सपोज पोर्टेबिलिटी के कई मापदंड होते हैं असल में, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर किसी सर्विस प्रोवाइडर से चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हो, वो भी एक पोर्टेबिलिटी है। अगर मान लिया सपोज आप रोमिंग में जा रहे हो लेकिन वो लोकल बन जा रहा है तो वो भी एक तरह की पोर्टेबिलिटी है। तो इसी तरीके से जो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है किसी भी प्लेटफॉर्म में खा सकता है, यानी कि हम उसे कह सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इवन डेटा इंडिपेंडेंट है वो, एक तरह से देखा जाए मतलब वो डेटा वो किसी भी एनवायरनमेंट में डेटा रखा जा रहा है वो उसे रिट्राइव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यूज़र केवल डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, यूज़र कहेगा ये डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए भी सिंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे, मतलब वहाँ पर मेन्यू ड्रिवन कमांड्स बने होंगे, आप वो आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि एडवांटेज क्या है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, दूसरा है पोर्टेबिलिटी, तीसरा आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, यानी कि कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अपना सकते हो। सबसे पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात की हमने, डेटा उठा सकते हो, उसमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हो और उसी के अनुसार डेटा को ऑडिट कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, उसका एनालिसिस कर सकते हो, यानी एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हो, ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो या दूसरे फॉर्म में देख सकते हो। उसके बाद क्या है, पैरेलल सिमुलेशन कर सकते हो, पैरेलल सिमुलेशन का मतलब ये है कि डेटा को ले सकते हो, ERP जिस तरीके से उसे प्रोसेसिंग कर रही है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर उसी तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, और चूंकि जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर उसी तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे तो आप क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप चेक कर सकते हो प्रोसेसिंग को, तो यानी कि कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो, यानी कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग और कंप्लायंस टेस्टिंग इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हो सकती है। तो बेसिकली ये था जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जनरल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर स्पेशल ऑडिट पर्पजेज़ के लिए काम करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड IT एनवायरनमेंट के लिए टारगेटेड होते हैं, और इनका एक स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स होगा, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस होगा, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ IT एनवायरनमेंट होगा। यानी आप या तो यूनिक्स के एनवायरनमेंट में कंट्रोल को टेस्ट कर रहे होगे, या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे होगे, या आप कोई NPAs की टेस्टिंग करोगे, या फोरेक्स डीलिंग की टेस्टिंग कर रहे होगे, या ये मतलब फोरेक्स डीलिंग की टेस्टिंग कर रहे होगे तो उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा रखा होगा आपने, मतलब
या ये भी हो सकता है कि जो ऑडिटी है, जो जिसको ऑडिट कर रहे हैं, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, ताकि ऐसा है कि भाई कोई ट्रांजेक्शन, हाई वॉल्यूमनस ट्रांजेक्शन जहाँ पर हो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अब फोरेक्स डीलिंग हो रही है तो कंट्रीज़ के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डीलिंग होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ी एक मैसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल अमाउंट ऑफ मनी में गड़बड़ी में ट्रांसलेट कर देगी। तो वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर चाहिए जो कॉन्स्टेंटली रियल टाइम उसको डेटा को देख सकें। अगर स्टॉक मार्केट है वहाँ पर हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, ह्यूज ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो दूसरी बात यह है, ऑडिटर ऐसे ऑडिटर भी इंडिपेंडेंटली इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकता है, लेकिन इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सॉफ्टवेयर्स में। ये जो स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स को जब डेवलप किया जाता है तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बड़े स्ट्रिंजेंटली इसको देखा जाता है, मतलब जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको बड़े स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया जाता है, और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के नज़रिए से उसे बनाते वक्त उनको बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो यह है स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर और जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जनरली क्या होता है कि वो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन उस तरह से सोल्ड नहीं होते। जनरली क्या होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हों। मतलब मार्केट में आप जाओगे तो वो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स के साथ नहीं होते। कई बार क्या होता है कि आप जैसे विंडोज़ लेते हो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स उसके साथ बंडल्ड होकर आ जाते हैं, या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लोगे तो उसके साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बंडल्ड हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपको मदद करेंगे कोई डेटा को निकालने के लिए, या कोई फाइल कंपैरिजन करना है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज़ भी जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर की तरह कि यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो भी लॉजिकली आपको डेटा एक्सेस करने के लिए हेल्प करेंगे, पर्टिकुलरली जहाँ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडोज़ है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ अगर मान लीजिए सपोज़ आपको कोई उसको उसमें ऑडिट करना है तो आप उसी की यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में उसी की यूटिलिटी यूज़ करके उसी को एक ऑडिट कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि अब ऑडिटर पर डिपेंडेंट है कि वो कितना रिलाई करता है इन यूटिलिटीज़ पर, लेकिन यूटिलिटी हेल्पफुल होती है, क्योंकि यूटिलिटी जो है स्पेसिफिक कमांड सीक्वेंसेस फॉलो कर सकती हैं। और दूसरा बात यह है कि डेटा एनालिसिस फंक्शंस कर सकती हैं, जैसे सर्च कर सकती हैं, सॉर्ट कर सकती हैं। अगर मान लीजिए सपोज कोई दो डेटा है उसे ज्वाइन करना है वो कर सकती हैं, ये एनालाइज करना है डेटा को ये कर सकती हैं। तो इस वजह से यूटिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब उसको जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन रियल मायने में जो है जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो हमारी स्टडी में तीन दिए हुए हैं, लेकिन रियल मायने में जो आपके जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर